हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ वी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज जो है मैं नर्सिंग वालों के लिए दो वैकेंसी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, दो बड़ी बिग गुड न्यूज़ है। बिग गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टाफ नर्स के साथ साथ मैट्रन का भी पोस्ट है। आप लोगों के लिए मैट्रन का पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, मैट्रन की वैकेंसी आई है और स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है। दो दो बड़ी गुड न्यूज़ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से ही आपको ऐसी अच्छी अच्छी और न्यूज़ मिल जाएंगे। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड नोट्स, नर्सिंग की वैकेंसी, नर्सिंग न्यूज़ सारे ऑल अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है, दो दो गुड न्यूज़ है, मैं दोनों गुड न्यूज़ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने तक ही सीमित मत रखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे देखिए, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, जबलपुर से ये वैकेंसी आई हुई है। 18 जून 2021 को रिलीज़ हुआ है। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सक सेवार्थ सेवा नियम 2018 एवं संचालनाएँ मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक, तो यहाँ पे देखिए, द्वारा प्राप्त परिचारिका संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के मैट्रिक रिक्त पदों पर अनुसूची क्रमांक 2 में निहित निर्देशांक पदोन्नति सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग सिस्टर के आवेदन दिनांक 28 जून तक आमंत्रित किए जाएंगे। तो आपका जो है डेट है, मैट्रन का पोस्ट है यहाँ पे और 28 जून तक का टाइम है। तो रिक्त जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 3 पोस्ट है और जो मैट्रन की है वैकेंसी अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल 3 पोस्ट है यहाँ पे और यहाँ पे पद का नाम है मैट्रन, ठीक है। नर्सिंग सिस्टर के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए इनको एज अ नर्सिंग सिस्टर, ठीक है। और इनका जो वेतन है, सैलरी है 42,700 पर मंथ, ठीक है फ्रेंड्स, 42,700 पर मंथ प्लस अलग से और दिए जाएंगे इसमें। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगी। फिर वेतन एवं अन्य भत्ते, ठीक है, तो ये वेतन है और भत्ते भी रहेंगे इनके, शासन के द्वारा दिया जाएगा। आरक्षण पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेश के अनुसार होंगी। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग, तो आवेदन शुल्क यहाँ पे 1100 रुपये हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 900 रुपये हैं और यहाँ पे आप आयु सीमा जो है, उक्त पदोन्नति सीधे भर्ती के पद पर आयु सीमा में छूट रहेगी, ठीक है। तो आप आयु सीमा में छूट है। फिर कुछ कुछ और है, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26/1/2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो जो 2001 के बाद, ठीक है, जिनका जो 3 बच्चे हैं वो इस एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके 2 बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। फिर उक्त पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर ले, तो इससे PDF का अच्छे से रीड कर ले, तभी यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करेंगे। एक एक टर्म कंडीशन को अच्छे से पढ़ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सक आदर्श सेवा नियम 2018 के बिंदु 7 क्रमांक में पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति कार्यकारिणी समिति समय समय पर संकलन पारित कर निम्न में कोई भी एक अधिक मापदंड अपनाने निर्णय ले सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यकारिणी समिति के चिकित्सा महाविद्यालय में की गई सेवा अवधि का मूल्यांकन, आपका कितना एक्सपीरियंस है उसको देखेंगे, फिर आपका जो है मार्कशीट को देखेंगे, फिर लिखित परीक्षा जो होगी आपका उसके बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, ये 3 मेथड से, ठीक है। फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण लाइन्स लिखा है, यहाँ उम्मीदवार के हित में है कि वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in, ठीक है, तो ये वेबसाइट पे जाना है आपको, का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं, तो इस जो है
नोटिस नोटिफिकेशन है या नोटिस है उस पे अगर कोई भी संशोधित होता है, कोई भी चेंजेस होती है, तो आपको इस वेबसाइट को बार बार चेक करना है अगर ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर आपका ये आवेदन फॉर्म है, इसको फिलअप करना है और इसको सबमिट करना है आपको पूरा, ठीक है। तो आपको ये लिंक लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका जो डेट है वो 28 जून तक का है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबल है उनके तक पहुंचाइए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भी इस नोट जो वैकेंसी आई है उसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है उसकी ओर। तो ये हमारी फर्स्ट बिग गुड न्यूज़ है। तो सेकंड बिग गुड न्यूज़ देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी सेकंड बिग गुड न्यूज़। ये भी वहीं से ही आई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। ये भी जो है 18 जून को ही आया हुआ है ये फॉर्म जो है, और मतलब नोटिफिकेशन जो है, और इसका भी लास्ट डेट जो है 28 जून तक का है। तो यहाँ पे जो है नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है, टोटल 36 पोस्ट है नर्सिंग सिस्टर, और ये जो है परमानेंट वैकेंसी है, कोई इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनारक्षित है उनके लिए 24, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अनुसूचित जाति के लिए 5, और कुल जो है 36 पोस्ट है। नर्सिंग सिस्टर का पोस्ट है, स्टाफ नर्स के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो इनको जो है स्टाफ नर्स का कार्य का 5 साल का एक्सपीरियंस रहेंगे, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो वेतन है उनका 36,200 पर मंथ, साथ में अलग से मानदेय या भत्ते मिलेंगे इनको, ठीक है। फिर सेम सेम इनका भी है पूरा जो हमने मैट्रन का देखा है, ठीक है। सेम डेट है, सेम शुल्क है आवेदन शुल्क, और आपका जो है सीधी भर्ती होनी है, और ये परमानेंट वैकेंसी है। आपके भी 3 बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है, 3 बच्चे नहीं होने चाहिए, वो भी जो है स्टाफ नर्स का अप्लाई कर सकता है। फिर चयन प्रक्रिया आपका सेम है, ठीक है, सेम जो मैट्रिक का है वैसे ही। ये पहले आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, फिर आपकी साक्षरता यानी कि आपके मार्कशीट वगैरह को देखेंगे, फिर आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसका नंबर देखेंगे, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको अप्लाई करने के लिए इसी वेबसाइट पर जाना है, और कुछ चेंजेस होती है इस नोटिफिकेशन में तो इस वेबसाइट का आपको बार बार अवलोकन करना है, ठीक है। तो ये है आवेदन फॉर्म, इसको आपको डाउनलोड करना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहीं से ही डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर लेना, पहले वीडियो को अच्छे से समझना, फिर उसके बाद उसको डाउनलोड करना और फॉर्म तुरंत अप्लाई करने का स्टार्ट करना, ठीक है। फ्रेंड्स, ये रही हमारी दो दो बिग गुड न्यूज़। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे ही डेली न्यू न्यू अपडेट मिलती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।